जानी इधर है, लिवर इधर है। लिवर का रिवर भरा हुआ है। दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहतों का। मैं किस शब्द से धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से यहां आया हूं तो पैसे मेरी इतनी अच्छी स्वागत हो रही है, इतना बढ़िया वेलकम हुआ है कि मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। उड़ीसा भुवनेश्वर उतरा, फ्लाइट से एयरपोर्ट से बाहर आया, साफ सुथरी रोड, बेहतरीन रोड, खूबसूरत खूबसूरत लोग, बेहतरीन गाड़ियां, फलाना अपने सिस्टम में जा रहे हैं, ये देखकर इतना अच्छा लगा, मन किया कि यहाँ आके घर बसा दूँ। क्या बात है, सही में सस्ते में घर दिलाया गुड्डू मेरे को। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मुंबई भी ऐसा हो जाए, शांत हो जाए यार। जाने भाई एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत मजा आया। सब चाहते हैं आपका स्टाइल में अगर एक बार बोल देंगे तो मुंबई में से हम कर लेंगे उड़िया वाले जाके। देखिए मेरी जो भी हरकतें हैं उसको आप इतना पसंद करते हैं, ये आप लोगों की बड़ी कृपा मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जानी भाई, नहीं आपका दो स्टाइल के लिए गुड्डू जब नीचे था सब बोल रहे थे कि पहले जानी भाई का दो तीन स्टाइल सब देख लेंगे फिर अवार्ड लेने के लिए, तो सब बैठे हैं हॉलीवुड में। और जानी भाई रिक्वेस्ट किए हैं जिनको अवार्ड मिला है वो भी बैठेंगे क्योंकि जानी भाई सबको मिलेंगे, और जिसको नहीं मिला है तो अवार्ड लेंगे, जो ले चुके हैं आप भी थोड़ा बैठेंगे। जानी भाई के लिए ताली हो जाए, ताली वाली बजा दीजिए। इतना दिलदार है, इतना दिलदार है। हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग होते हैं, हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग होते हैं, लेकिन अटल जी और कलाम जैसे कोई नहीं। बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर हैं, बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर हैं, लेकिन हमारा जानी सर जैसे एक्टर कोई नहीं। अरे बाप रे, आपने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दे दिया है, कमाल है। 120 करोड़ नहीं, अभी 130 करोड़ हो गया। 130 करोड़ की आबादी है। 130 एक बंगाली दादा ने कहा है, कलकत्ता में हमारे दादा लोग होते हैं, बंगाली दादा बहुत दिमाग वाले होते हैं, वेरी ब्रेनी, आई लव देम, रियली आई रिस्पेक्ट देम। और देश के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, हमारे बंगाली लोगों को जरा देश में जरा गड़बड़ हो जाएगा वो टेंशन में आ जाते हैं, कभी कभी दादा लोग इतना टेंशन में होते हैं उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, बोले दादा को डिस्टर्ब मत करो, दादा बहुत टेंशन में है, क्या हुआ दादा सब ठीक है, क्या ठीक है, सब प्रॉब्लम तो नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, क्या हुआ दादा, अरे क्या है, ये देश को अंदर कोई काम करता है, कोई काम नहीं करता है, काम करने से देश आगे बढ़ेगा, ये देश के अंदर कोई काम नहीं करता है, ये दादा काम तो करता है, कौन काम करता है, ये चाइना किधर से किधर चला गया है, ये थाईलैंड किधर से किधर चला गया आगे, हम उधर ही हम स्लो स्लो प्रोसेस है हमारा, कोई काम काम करने से देश आगे बढ़ेगा, कोई काम नहीं करता है, नहीं दादा काम तो कर रहे हैं, अरे बाबा नहीं करता है, 130 करोड़ का आबादी है, 130 करोड़ का आबादी है, इसमें कौन लोग काम करता है, ऑफिशियली अपना 130 करोड़ का आबादी है, 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा है, अनऑफिशियल छोड़ो उसको छोड़ो, 130 करोड़ का आबादी है, उसमें कौन लोग काम करता है दादा, अरे सुनो हमारा बात, डीपली स्टडी करो, दिमाग से काम करो, बिलो 16 जो 16 साल का उम्र से नीचे है वो तो स्टूडेंट लोग है, वो तो पढ़ता है, वो तो काम नहीं करता है, वो 35 करोड़ है, मज में करो, मज में क्या 35 करोड़ स्टूडेंट लोग काम नहीं करता है, और जो लोग कंपनी से रिटायर हो जाता है वो लोग बाद में काम नहीं करेगा, वो लोग भी 35 करोड़ है, 70 करोड़ बचा कितना, 60 करोड़, अभी 60 करोड़ में कितना लोग काम करता है, 30 करोड़ तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, 30 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट है, निकल बाजू में कितना बचा, अभी 30 करोड़ में कितना लोग काम करता है, 15 करोड़ तो भिखारी है, 15 करोड़ भिखारी, जितनी स्टडी है
रही है उसमें पांच पांच करोड़ रोड पे भीख मांगता है और दस करोड़ जो ऑफिस खोल के फोन पे भीख मांगता है। बचा कितना? 15 करोड़ लोग काम करने से देश आगे बढ़ेगा? एक देश में कोई काम नहीं करता है, एक देश के अंदर कोई आदमी काम करता है, एक मोदी दूसरा हम। वो मोदी तो घूमता रहता है, हम अकेला कितना काम करेगा रे? बहुत परेशानी है। 15 करोड़ लोग काम करने से देश आगे बढ़ेगा? किसने कहा दादा? व्हाट ए कैलकुलेशन, क्या सोचा है आपने? आपको मीडिया में आके बात बोलनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है रियली 15-16-20 करोड़ लोग काम करने से देश कैसे आगे बढ़ेगा। आपको मीडिया में आके ये बात बोलनी चाहिए, अरे हम नहीं बोलेगा। यानी आप बोले, अरे हम नहीं बोलेगा। अरे बाबा हम बोलेगा तो 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा है उसको भी निकाल देगा, हमको भी निकाल देगा। आपको क्यों निकालेगा? अरे हम बांग्लादेशी है। अरे बाबा जानी भाई, दो लोग काम करते हैं और मैं बोलता हूँ तीन लोग, एक तो मोदी साहब, एक जानी साहब और तीसरा हमारा सीएम जिन्होंने इतना अच्छा वर्ल्ड कप बनाए थे यहाँ पे। और ये जो स्वच्छ भारत चल रहा है, ऑपरेशन स्वच्छता, हमारा सीएम और पूरा डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव, इनकी कॉपी कर रहे सब लोग। क्या बात है, तालियां।